उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए 30 फुट बाई 30 फुट का प्लॉट है ये। दोस्तों हमारा 900 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा और 100 गज का ये हमारा दोस्तों प्लॉट रहेगा। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इस प्लॉट को डिजाइन किया है। ये हमारा डुप्लेक्स रहेगा जो हमने इसको डिजाइन किया है। 1 BHK के साथ हमने इसको डिजाइन किया है, 1 बेडरूम के साथ। दोस्तों दोस्तों इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर डिजाइन किया है। तो चलते हैं हम प्लान की तरफ। अगर दोस्तों आप भी अपने घर का मैप बनवाना चाहते हैं या नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं प्लान की तरफ। ये दोस्तों हमारा प्लान रहेगा। जैसे ये हमारा मेन गेट, ये हमारा सामने रोड दे रखा है दोस्तों, और ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी वॉल्स रहेंगी 9 इंची की। बाकी अदर तीनों साइड इसके अदर प्रॉपर्टी रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा जो मेन गेट रहेगा वो 9 फिट का रहेगा, और इसमें हम एंटर करेंगे तो ये हमारा पोर्च एरिया आएगा जो कि हमारी कार खड़ी हुई है। ये हमारा 9 फिट बाई 15 फिट का ये पोर्च एरिया रहेगा जिसमें हमारी कार खड़ी हो जाएगी आराम से। और दोस्तों ये हमने बाहर से ये 4 फट 3 इंच बाई वाइड का जो हमने ये पैसेज दे रखा है आप देख रहे होंगे। तो इसमें जो एंट्री रहेंगी वो हमारी 2 एंट्री रहेंगी, एक बेडरूम से एंट्री रहेगी और एक हमारी लॉबी में एंड डाइनिंग फैमिली रूम में एंट्री रहेगी। तो दोस्तों हम चलते हैं। ये हमारा गेट रहेगा जो कि अंदर घर में जाने के लिए होगा, एक गेट हमारा ये बेडरूम से रहेगा जो अंदर बेडरूम में जाने के लिए रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं इधर पोर्च की तरफ से, गेट में एंट्री करते हैं। तो एंट्री करेंगे, जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये हमारा डाइनिंग का फैमिली रूम आएगा जो कि 22 फट 9 इंच ऐसे रहेगा और 12 फट 9 इंच ऐसे रहेगा। ये हमारा इसमें डाइनिंग टेबल डली हुई है, सोफा डला हुआ है, सामने टीवी लगा हुआ है। और दोस्तों ये हमने स्टेयरकेस दे रखा है जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए रहेगा, जो कि दूसरी मंजिल के लिए हम यहीं से जाएंगे। और दोस्तों ये हमने WC दे रखी है जो कि 5 फुट बाई 3.5 फिट की रहेगी। ये हमारा ओपन एरिया आएगा जिसमें हमने ये वॉश बेसिन दे रखा है। और दोस्तों ये 5 फुट बाई 5 फुट का हमने ये बाथरूम दे रखा है। ये ओपन जो कट रहेगा वो हमारे डब्ल्यू टॉयलेट के लिए रहेगा, वेंटिलेशन के लिए। और दोस्तों ये हमारी किचन रहेगी जो कि लॉबी से रहेगी, जो ये हमारी है 7 फुट बाई 10 फुट की किचन रहेगी। किचन की जो विंडो है जो दोस्तों हमने पैसेज में दे रखी है। अब दोस्तों चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। ये हमारा बेडरूम रहेगा जो कि 11 फट बाई 15 फट का बेडरूम रहेगा जिसमें बेड डला हुआ है, ये वार्डरोब बनी हुई है दोस्तों, ये सामने टीवी लगा हुआ है। इसका जो वेंटिलेशन रहेगा ये हमने विंडो दे रखी है, ये रोड की तरफ हमने विंडो दे रखी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्लान को डिजाइन किया है। ऐसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 2 रूम सेट हो जाएगा दोस्तों, एक बेडरूम हमारा यहाँ निकल आएगा ऊपर जाके। तो बाकी ये हमारा ये टॉयलेट है ही है दोस्तों, तो 2 बेडरूम हमारे ऊपर बन जाएंगे। इसी तरीके से हमारा 3 BHK सेट हो जाएगा 2 फ्लोर बनने के बाद। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तो पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।